बक्सवाहा के जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के दो उम्मीदवार मैदान में थे। बताया जा रहा है कि श्रीमती चमेली बाई हृदय सिंह लोधी एवं श्रीमती रजनी मोती यादव दोनों उम्मीदवार भाजपा के समर्थक माने जाते हैं। अध्यक्ष पद पर रजनी मोती यादव ने 6 के मुकाबले 7 मत मिले और 1 मत से जीत मिली। वहीं उपाध्यक्ष पद पर नरेंद्र सिंह बुंदेला निर्विरोधी चुने गए। आपको बता दें, बक्सवाहा जनपद पंचायत काफी कशमकश भरा रहा, जिसमें जिले से लेकर प्रदेश तक के नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। भाजपा प्रदेश मंत्री ललिता यादव एवं महिला मोर्चा की प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष रेखा यादव रजनी मोती यादव के पक्ष में सहयोग करने के लिए बक्सवाहा में निर्वाचन के लिए मौजूद रही। सहयोग रहा हमारे लिए, हमारी भाभी साथ में जो लग रही थी, चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया हमको, छोटा समझ के उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया हमको। और सब लोग सदस्य लोगों ने हमारा बहुत अच्छा संग दिया, सब मीडिया वालों ने, पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्वक चुनाव करवाया। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पूर्व में भी आप सरपंच रहे, आपके परिवार में रहे हैं, पुनः आपको ये दायित्व मिला है जनपद पंचायत बक्सवाहा में उपाध्यक्ष पद का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या बदलाव ऐसे हैं जो आप करना चाहेंगे? मैं, मेरी पत्नी जब सरपंच रही तो मैंने सबका सहयोग किया, सबका विकास किया, सबकी बात के समय चले, सबके साथ चले, आप सबका सेवा भाव से सबकी सेवा करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, सब लोगों को लेकर जनपद अच्छे तरीके से चलेंगे। भाजपा को ही दो प्रत्याशी खड़े करने पड़े, ऐसे कैसे स्थिति है बनी? क्या है, अब एक घर में भी फूट हो जाती है, अलग अलग दो गुट बन गए, दो में एक जिसकी 7 वोट हो गई वो जीत गया, जिसकी 6 रही वो हार गया। अभी तक हर बार कोई ना कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता है, ये प्रक्रिया निरंतर जारी है, आप ऐसा क्या आपके सोच में है, कुछ नया करने का कुछ सोच है आपका? अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, जनपद पंचायत बक्सवाहा का विकास करेंगे, जितनी सेवा बन सके ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे। ना हुआ है, आप यहाँ मेंबर थे, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आप भी प्रत्याशी बनेंगे, फिर आपने बाद में चूँकि अपना नाम वापस नहीं लिया, क्या स्थिति आ रही? मंजस हुआ, हम लोगों ने ट्रस्ट किया और हमने हमारे और सभी लोगों के समर्थन से इनको उपाध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष जो बनाए गए उनके भी, चूँकि भाजपा से 2 ही प्रत्याशी उतारे गए थे, क्या रहा पूरा? बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्वक, पूरी शांति और सबके सहयोग से अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई, उपाध्यक्ष जी को बधाई। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजपा जी खाते से ही बने हैं, क्या कहेंगे आप? मैं जनपद अध्यक्ष रजनी यादव को और उपाध्यक्ष नरेंद्र जी को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने जनपद पंचायत बक्सवाहा में अपनी जीत दर्ज की है। और मैं सभी यहाँ पर जो हमारे सभी जनपद सदस्यों को बधाई देती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे दोनों ही कार्यकर्ता थे जो जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। हम सब जानते हैं कि ये चुनाव बिना सिंबल का चुनाव होता है और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है कि हम अध्यक्ष बनेंगे, इसलिए दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़े। और हम जानते हैं कि जो एक एक कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा एक हारेगा और जो जीतेगा उसके गले में हार पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों को बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और बक्सवाहा जनपद पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, आज हमारे 4 जनपद के चुनाव थे जिसमें बक्सवाहा जनपद में हमारी भारतीय जनता पार्टी जीती है, बड़ा मलेरा जनपद में भारतीय जनता पार्टी जीती है, राजनगर जनपद भारतीय जनता पार्टी जीती है और छतरपुर में एक निर्दलीय है जो किसी पार्टी से नहीं, जिसमें सबका सहयोग था, वो ममता चंद्रशेखर तिवारी चुनाव जीत करके आए। बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट। यशवंत ग्रुप ऑफ स्कूल्स महू, एडमिशंस ओपन, क्लास नर्सरी टू 12th CBSE बोर्ड, इंट्रोड्यूसिंग लीड स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन महू, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, स्मार्ट क्लासेस, इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, रेमेडियल क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स, well-equipped labs and library, co-curriculum activities, well-furnished computer lab, stress on spoken English, excellent board results. So get your child admitted in Yashwant Public Higher Secondary School, South Shantinagar, Mahugaon, Mahu,